गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे स्लीप डिसऑर्डर के बारे में कि स्लीप डिसऑर्डर क्या होते हैं। स्लीप डिसऑर्डर के बारे में आपको बता दिया गया कितने टाइप के होते हैं और एक स्लीप क्या होती है। स्लीप का मतलब क्या होता है? पेशेंट को रिवर्सिबल अनकॉन्शियस स्टेज की प्राप्त करना। हमारे एक नॉर्मल पर्सन होता है, ठीक है, वो इरिवर्सिबल अनकॉन्शियस स्टेज को प्राप्त करना एज ए स्लीप कहलाता है। स्लीप, ठीक है, मतलब अचेतन अवस्था, ऐसी अचेतन अवस्था जिसमें व्यक्ति वापस रिकवर हो सकता है, उसे बोलते हैं अपन नींद या स्लीप बोलते हैं। इसके बाद आपको बता देता है कि डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं स्लीप डिसऑर्डर के बारे में। तो आपको इनसोम्निया के बारे में बता दिया कि इनसोम्निया मतलब क्या होता है कि पेशेंट प्रॉपर तरीके रात को नॉर्मल पैटर्न में सो नहीं पाता है। अगर व्यक्ति रात को सोता है, नींद खुल जाती है, तो वापस दोबारा उसको पेशेंट को नींद ही नहीं आती है, तो पूरी रात ऐसे बिना सोए निकाल लेता है, तो ऐसी कंडीशन कहलाती है इनसोम्निया। नेक्स्ट हमने बात की थी हाइपरसोम्नियाज। हाइपरसोम्निया का मतलब होता है कि पेशेंट बहुत लंबे समय यानी बहुत ज़्यादा सोता है, हद से ज़्यादा। एक स्लीपी का जो नॉर्मल पैटर्न होता है 6 to 8 आवर का, उससे बहुत ज़्यादा सोता है, दिन में भी सोता है, रात को भी सोता है, मतलब सोते ही रहता है मोस्टली टाइम 24 आवर में, बहुत ज़्यादा टाइम, तो उसको बोलते हैं अपन हाइपरसोम्नियाज। नेक्स्ट हम डिस्कस किया था पैरासोम्नियाज। पैरासोम्नियाज का मतलब होता है कि व्यक्ति रात को सोते समय कोई इंसान सोता है तो उसके अंदर इवेंट घटित होते हैं नींद के अंदर ही। ये हमेशा बचपन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जबकि आजकल बड़े एज में भी देखने को मिलना स्टार्ट हो चुका है, जिससे बोलते हैं पैरासोम्नियाज कि रात को नींद में कुछ इवेंट घटित होना, कुछ घटनाएं घटित होना, वो आता था अपना पैरासोम्नियाज के अंदर। अब नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं स्लीप डिसऑर्डर के बारे में। और नेक्स्ट स्लीप डिसऑर्डर आपका स्लीप वॉकिंग। स्लीप वॉकिंग का मतलब होता है कि व्यक्ति के द्वारा नींद में चलना। कोई ऐसा पेशेंट है जो नींद में चलता है, उसे बोलते हैं हम स्लीप वॉकिंग। नींद में आंखें बंद आराम से चल रहा है, आंखें खोल भी चल रहा है, उसको पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा हूँ, बट वो नींद में चल रहा है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा बंद कमरे में सोने के लिए बोलना चाहिए। जिन व्यक्ति को इस प्रकार की प्रॉब्लम है, स्लीप वॉकिंग प्रॉब्लम है, उनको एक बंद कमरे में सोने के लिए बोलना चाहिए कि बंद कमरे में सोएगा तो नॉर्मल उसी एरिया में कवर रहेगा, वहाँ तक घूमेगा। अगर मान लो वो खुले एरिया में सोएगा तो नींद में चलने की प्रॉब्लम है, तो चलते चलते कहीं ना कहीं पहुँच जाएगा, किसी दूसरे घर में पहुँच जाएगा, कि खड्डे में गिर सकता है, कहीं और भी जा सकता है, तो उसको चोट लगने की या किसी को नुकसान होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को स्लीप वॉकिंग वाले को हमेशा बंद कमरे में ही सोने को बोलना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं स्लीप टॉकिंग। स्लीप टॉकिंग मतलब रात को सोते समय कुछ बड़बड़ाना, कुछ बोलते रहना। कोई व्यक्ति नींद की गहरी अवस्था में सो रहा है, सोते समय कुछ बड़बड़ा रहा है, कुछ बोल रहा है, तो उससे अपन बोलते हैं स्लीप टॉकिंग। ये मेनली कभी भी कोई ज़्यादा अल्कोहल वगैरह लेते हैं उनके अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो मोस्टली जो व्यक्ति रात को नींद में कुछ बोलते हैं बड़बड़ाता है, उसे बोलते हैं अपन स्लीप वॉकिंग। नेक्स्ट है स्लीप रिलेटेड एनुरेसिस। स्लीप रिलेटेड एनुरेसिस मतलब होता है नींद के अंदर क्या करना है, बाथरूम कर लेना है, टॉयलेट कर लेना, इसे बोलते हैं हम स्लीप रिलेटेड एनुरेसिस। नींद में सो रहा है, नींद में सोते बच्चे नहीं करते, टॉयलेट में पास कर लेते हैं, बाथरूम अंदर कर लेते हैं। कब करना है? एक ब्लैडर ट्रेनिंग कि व्यक्ति की जो एज होती है पूरा जो ब्लैडर कंट्रोल वाली कंडीशन, ब्लैडर कंट्रोल वाली कंडीशन आने के बाद भी वो ब्लैडर को कंट्रोल नहीं कर पाता है और नींद में अपना क्या ब्लैडर कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो बाथरूम या टॉयलेट पासवर्ड कर उसे बोलते हैं अपन स्लीप रिलेटेड एनुरेसिस। मतलब कि व्यक्ति हम नॉर्मल एज के अंदर व्यक्ति क्या 3 इयर्स से क्या हो जाता है उसका ब्लैडर कंट्रोल स्टार्ट हो जाता है। 3 ईयर का कोई 3 साल का बच्चा होता है, 3 से 4 के आसपास, तो इसको जो ब्लैडर कंट्रोल करने की कैपेसिटी आ जाती है, वो अपने टॉयलेट वगैरह को होल्ड कर सकता है, प्रॉपर जगह पे क्या करता है पासवर्ड कर सकता है। जबकि इस कंडीशन क्या होता है उसको सब होने के, ये सब कंट्रोल होने के बाद भी क्या करता है रात को की नींद में ही बेड पे ही बिस्तर पे क्या करता है यूनिट पास कर लेता है, तो उसको बोलते हैं अपन स्लीप रिलेटेड एनुरेसिस। फिर बात करते हैं नाइट या स्लीप टेरर। ठीक है, रात को क्या भयानक सपने आना एक तरह से उसको बोलते हैं, बहुत बुरे बुरे सपने आना रात को नींद के अंदर, तो उसे बोलते ही है। नेक्स्ट अपना एक है स्लीप पैरालिसिस।
स्लीप पैलेस का मतलब स्लीप पैलेस का मतलब व्यक्ति नींद से उठ तो जाता है, मतलब कि वो जग तो जाता है पर नींद होने की वजह से क्या वो चल नहीं पाता है। व्यक्ति जग तो जाता है पर नींद होने की वजह से क्या है वो चल नहीं पाता है। पैलेस का मतलब क्या होता है? नो मूवमेंट, नो मूवमेंट, या बोलते हैं लॉस ऑफ कंट्रोल, लॉस ऑफ कंट्रोल। ठीक, ये होता है पैलेस का मतलब होता है कोई बॉडी का किसी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर पैलेस हो जाता है तो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर पार्ट के अंदर क्या ना होता है बॉडी वो पार्ट मूवमेंट करेगा ना उस पार्ट में किसी प्रकार कंट्रोल रहेगा तो उससे अपन बोलते हैं पैरालाइज। अब स्लीप पैरालाइज का मतलब होता है व्यक्ति जग तो जाता है, व्यक्ति नींद में जग तो जाता है बट नींद में होता है, आँख खुली है बट क्या वो नींद के अंदर है और नींद होने की वजह से क्या वो चल नहीं पाता है, इसे बोलते हैं अपन स्लीप पैरालिसिस। ये हो गया अपने कुछ जनरल डिसऑर्डर स्लीप के बारे में। अब बात करते हैं इसके कॉज के बारे में कि ऐसे कौन कौन से कारक, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो व्यक्ति के अंदर इस प्रकार के डिसऑर्डर को क्या करता है, डेवलप करता है, हमारी नींद को उड़ा देता है। सीधी बोले तो नींद को उड़ाने वाले ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो हमारी नींद को बिल्कुल उड़ा देते हैं। तो ये हो गया अपने कॉजेज, कॉजेज ऑफ स्लीप डिसऑर्डर। ठीक, कॉजेज ऑफ स्लीप डिसऑर्डर। अब स्लीप डिसऑर्डर कॉज क्या है? हमारी नींद की उड़ती है, इसके बहुत से कारण। पहला कारण होता है फिजिकल कॉज, फिजिकल कॉजेज। फिजिकल के बाद बोलते हैं हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, किसी प्रकार की डिजीज कंडीशन हो, कोई बीमारी हो, बीमारी में क्या होता है नींद नहीं आती, जैसे मान लो कार्डिक प्रॉब्लम, कार्डिक डिजीज। ठीक है, हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है तो उसमें नींद क्या है हमको इनसोमनिया वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, इनसोमनिया वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है हार्ट पेशेंट के अंदर, इनसोमनिया प्रॉपर नींद नहीं आना। दूसरी बोल तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी डिजीज बोले तो। ठीक है, अगर मान लो कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड, सांस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, प्रॉपर तरीके से उसका रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं हो पा रही है, तो उस कंडीशन में क्या होता है व्यक्ति को क्या इंसोमनिया वाली कंडीशन पैदा हो सकती है, नींद नहीं आएगी, प्रॉपर स्लीप सो रहा है, प्रॉपर सांस नहीं ले पा रहा है, प्रॉपर तरीके रेस्पिरेशन ब्रीदिंग नहीं हो पा रही है, तो कैसे सो पाएगा, तो उस कंडीशन इंसोमनिया देखने को मिल सकता है। और ठीक है, दूसरा कोई ब्रेन में चोट, कोई सीवियर ब्रेन इंजरी हो चुकी है। ठीक है, कोई सीवियर टाइप की ब्रेन इंजरी है, ब्रेन में कोई ट्रोमा है, ब्रेन में कोई ट्यूमर है, उन इंजरी की वजह से इस ट्रोमा की वजह से क्या प्रॉपर तरीके नींद नहीं ले पाता है। नेक्स्ट बोलते हैं एक्सेसिव यूज ऑफ एल्कोहलिज्म, एल्कोहल एंड ड्रग, या बोलते टी या फिर कॉफी टी। ठीक है, जब सोने के टाइम होता है उस समय अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहा है, किसी पर ड्रग ले रहा है, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी यूज कर रहा है, टी यूज कर रहा है, उस कंडीशन भी के अंदर व्यक्ति को प्रॉपर नींद नहीं आ पाती, उसको इंसोमनिया वाली कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। ये है अपने जनरल फिजिकल कॉज की बात, किसी पर डिजीज कंडीशन हो जाती है या पेशेंट के साथ कोई ब्रेन इंजरी है, अल्कोहल यूज कर रहा है, रात को कैफीन यूज कर रहा है, कॉफ़ी ले रहा है, टी ले रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा व्यक्ति को प्रॉपर नींद नहीं आएगी, ये एक रीज़न भी है। नेक्स्ट बात है साइकेट्रिक प्रॉब्लम, साइकेट्रिक कॉजेज। अब ऐसी मेंटल कौन कौन साइकेट्रिक कंडीशन होता है जिसके अंदर व्यक्ति को नींद आती है? सबसे पहले अपना सीवियर डिप्रेशन। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति सीवियर डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में, टेंशन में, तनाव में, तो हमको नींद नहीं आएगी। अगर ये मेंटल प्रॉब्लम है, साइकेटिक डिजीज है, अगर व्यक्ति को सीरियस जा रहा है किसी डिप्रेशन में, तो उसको भी स्लीप डिसऑर्डर, नींद नहीं आएगी, उसको देखने को मिल सकता है, इनसोमनिया वाली कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सिज़ोफ्रेनिया, सिज़ोफ्रेनिया
कोई व्यक्ति सिजोफ्रेनिया से सर्वे कर रहा है, सिजोफ्रेनिया प्रॉब्लम व्यक्ति को, तो उसके अंदर भी क्या एक तो स्लीप पैटर्न देखने को डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न देखने को मिल सकता है। एक ये एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जिसके बहुत सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं साइकेट्रिक है, ये नेक्स्ट डिसऑर्डर पड़ेगा अपन तो ठीक है। ये हो गया अपने कुछ डिप्रेशन और उसके फिर बात करें मैनिया वाले पेशेंट। अगर कोई मैने का पेशेंट है हाइपर एक्टिव है, उसको भी नींद बहुत कम आती है, बहुत एक्टिव है तो कैसे सो पाएगा, बिल्कुल नहीं सो पाएगा, हर काम एक्टिव रहता है तो नींद कैसे लेगा, तो उस व्यक्ति के अंदर भी क्या इंसोम्निया वाली कंडीशन प्रेजेंट हो सकती है। ये हो गया अपने सेक्रेटरी कॉज। अब बात करते हैं अपन कुछ सोशल कॉज, सामाजिक कौन कौन से कारक हैं। सामाजिक कारक की बात करें, सोशल कॉज कौन है, समाज में ऐसे कौन कौन सामाजिक ऐसे कौन से फैक्टर है जो हमें क्या प्रकार से डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न डेवलप कर सकता है। तो सबसे पहला था एक्सेसिव लॉस, या बोलते हैं लॉस। लॉस का मतलब क्या होता है, कोई बिजनेस कर रहा है बिजनेस में लॉस हो जाता है, कोई व्यक्ति जॉब बिजनेस स्टार्ट किया लॉस हो जाए, नींद कहाँ से आएगी ठीक है। दूसरा बात है किसी अपने की कोई लव किसी क्लोज की डेथ होना ठीक है, किसी क्लोज की डेथ हो, अपना बहुत करीबी है, अपना बहुत प्यार करने वाला इंसान जिसे बहुत ज़्यादा हम चाहते हैं, जिसे वो हमारा बहुत ज़्यादा टच है, उसकी डेथ हो जाती है तो भी हमारा स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। फिर क्या आता है जॉब अनसेटिस्फेक्शन ठीक है, जहाँ पे वो काम कर रहा है जिस जगह वो कार्य कर रहा है ठीक है, उस वर्क पहले से वो काम से संतुष्ट नहीं है, वो दिन भर तो काम कर रहा है पर संतुष्ट नहीं है, तो भी क्या व्यक्ति का नींद उड़ जाती है, काम कर रहा है उसको सेटिस्फाई नहीं है, वर्क कर रहा है मज़ा नहीं आ रहा, उस मज़ा ना आने की वजह से क्या उसका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो, क्योंकि दिन में काम करें रात को उस काम के बाद सोचेगा या मैंने काम किया काम मुझे अच्छा नहीं लग रहा पसंद नहीं ये वो, फालतू के दिमाग में थॉट आती रहेगी और थॉट आने की वजह से क्या वो पूरी रात सोचते रह जाएगा और नींद बिल्कुल ही उड़ जाएगी, ये भी एक रीज़न है। और ही बहुत सा कहते हैं कि हमारा स्लीप जो शेड्यूल है वो गड़बड़ होना, हमारे जो सोने की आदत है हमारे सोने का बिहेवियर वो डिस्टर्ब चलना, प्रॉपर टाइम पे नहीं सोना, जैसे कि शिफ्ट ड्यूटी करने वाले व्यक्ति होते हैं जो शिफ्ट ड्यूटी करते हैं, जैसे नाइट ड्यूटी नाइट में वर्क करने वाले होते हैं, लॉन्ग लॉन्ग यात्रा करने वाले होते हैं, उन लोगों के अंदर भी क्या है स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब देने को मिलता है। ये हो गया हमारे कुछ जनरल कॉजेज जिनकी वजह से इंसोम्निया या स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है या कॉज कर सकता है स्लीप डिसऑर्डर के बारे में। अब बात करते हैं डिसऑर्डर हो गया, प्रॉब्लम पता चल गई ये प्रॉब्लम है, अब क्या करना है इनका ट्रीटमेंट करना है। अब इंसोम्निया वाले कंडीशन वाले पेशेंट क्या करना है, उसको ट्रीटमेंट करना है। क्या बोलते हैं मैनेजमेंट, कैसे करेंगे ट्रीटमेंट, कोई इंसोम्निया वाला पेशेंट है स्लीप डिस्टर्बेंस वाला पेशेंट है क्या करना है, सबसे पहले इसको स्लीप डिसऑर्डर कॉज का पता करना है कि व्यक्ति क्यों नहीं सो पा रहा है, उसके कॉज का पता करना है, नींद नहीं लेने के कारण का पता लगाना है। सबसे पहले क्या करना है टू आइडेंटिफाई द कॉज, डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न। सबसे पहले क्या करना है हमको आइडेंटिफाई करना है कॉज के बारे में, ऐसा कौन सा कॉज है जिसकी वजह व्यक्ति सो नहीं पा रहा है। नेक्स्ट क्या करना है अपन को कॉज को दूर करना है, टू रिमूव कॉज। अगर हमें कॉज का पता कर लिया बीमारी उसके जो रीजन की वजह पता चले इस वजह से वो प्रॉपर तरीके सो नहीं पा रहा है, जब हमें कॉज के बारे में पता चल चुका है तो हम कॉज को दूर करना है। फिर बात करते हैं पेशेंट को कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, जैसे कि मान लो कंफर्टेबल बेड होना चाहिए ठीक है, जहाँ पेशेंट सो रहा है उस जहाँ पेशेंट स्लीप कर रहा है सोने जा रहा है उस एरिया में क्या लाइट होनी चाहिए, प्रॉपर लाइट बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, अंधेरे में सोने का आदत है तो डिम लाइट होनी चाहिए ठीक है। बात करते हैं वहाँ नॉइस किसी प्रकार शोर वॉल्यूम वगैरह नहीं होना चाहिए, ये तो अपना सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगर पेशेंट सो नहीं पा रहा है तो पेशेंट क्या कर सकते हैं, उसकी
लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, पेशेंट को योगा एक्सरसाइज के बारे में बता सकते हैं, पेशेंट को रिलैक्सेशन टेक्निक के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट रात को सो नहीं पा रहा है तो उसको प्रॉपर सोने के, जैसे किसी पेशेंट आदत होती है सोने से पहले संगीत सुनने की, बुक पढ़ने की, तो वो पेशेंट को दे सकते हैं। कोई पेशेंट है जो सोने की आदत से पहले बुक पढ़ने की है, बुक दे सकते हैं। गाने सुनने का सॉन्ग दे सुनने के लिए बोल सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो पेशेंट जो एक्सेसिव अल्कोहल कॉफ़ी टी ले रहा है उनको अवॉइड करवाना है कि पेशेंट को सोने के समय जो भी टाइम पीरियड होता है उससे पहले जैसे कॉफ़ी वगैरह जो माइंड उतने चीज़ों स्टिमुलेट करने वाले जो सब्सटेंस उनको बोलना है कि इसका यूज़ नहीं कर, उसको दूर कर सकते हैं। ये होते हैं कुछ जनरल पेशेंट के बारे में, इंसोम्निया डिसऑर्डर के बारे में अपन तरीका है। ये हो गया आपका मैनेजमेंट और डिसऑर्डर के बारे में कंप्लीट।